वाहन चालकों की हड़ताल का असर अब आम आदमियों तक भी पहुंचने लगा है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये लंबी कतार, वहां तक जो कतार लगी हुई है, ये कतार पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लोग पैनिक की स्थिति में हैं। लोग यहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप ठीक सामने देख सकते हैं कि बड़ी दूर तक एक कतार मोटरसाइकिलों की लगी हुई है जो इस वक्त पेट्रोल भराने के लिए इस वक्त यहां पर लाइन में लगे हुए हैं। क्या क्या सर पेट्रोल भराने आए जी? क्या कुछ खबर ऐसी मिली कि बंद बंद हो रहा है? हाँ, सुनने को मिल रहा है कि स्ट्राइक हो रही है, इस वजह से तेल नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से आप जी जी? अच्छा, तो ये देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए। क्या क्यों आए? अरे भैया, पेट्रोल की किल्लत है इसीलिए आए हुए हैं। कौन बताया, कहाँ सुन रहे हैं? अरे भाई, अफरा तफरी गए भी कहीं, ऐसी कोई जगह जहाँ पे मिल नहीं रहा? चार पेट्रोल पंप पे गए हैं, पांचवे पाए हैं, यहाँ पे लाइन में लगे जी। क्या सर, क्या हो गया आपको? अरे पेट्रोल नहीं मिल रहा भाई, उसमें रिजर्व में गाड़ी चल रही है, पता सुनने में आया है हड़ताल लंबी। कई जगह? हाँ, तीन जगह जा चुका हूँ, सिर्फ यहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग पेट्रोल पंप पर गए हैं, वहाँ पर उनको पेट्रोल ना मिलने के बाद इस पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि लंबी कतार भी लगी हुई है, लोग पेट्रोल भराने के लिए आए हुए हैं। लोगों को ये खबर पूरी तरह से आग की तरह फैल रही है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये पैनिक की स्थिति इस वक्त राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।